इंडिया में बेहतरीन लेगरूम वाली गाड़ियां कौन सी है, यानी कि जिनमें लेगरूम का स्पेस काफी अच्छा मिलता है आगे और पीछे की साइड दोनों साइड ही, तो जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा एक 7 और 8 सीटर MUV कार है। गाड़ी के जो लेगरूम है उस सेकेंड रो में काफी अच्छा मिलता है और थर्ड रो में भी अच्छा मिलता है, यानी जहाँ लेगरूम की ज़रूरत है वहाँ ये अच्छा मिलता है और इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर इनोवा के बारे में बात करें, इनोवा कार पहले से ही कंफर्टेबल है क्योंकि पहले से जानी जाती है कंफर्ट की वजह से ही, और अब तो ये क्रिस्टा आती है, इसमें और भी बदलाव किए गए हैं और ये उससे भी और अपडेटेड कार है। इस गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.4 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, और गाड़ी की कीमत है 15,66,000 रुपये से लेके 23,63,000 रुपये तक की। फिर आई हेक्टर। हेक्टर 5 सीटर कार है और काफ़ी लंबी चौड़ी कार है, तो इस गाड़ी में अच्छा लेगरूम तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, और गाड़ी में जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं वो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी कम्फर्टेबल हैं और कार डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में और दोनों ट्रांसमिशन के साथ आती है, यानी आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल में से। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है 12,83,000 रुपये से लेकर 18,08,000 रुपये तक की। अब आइए होंडा सिटी। होंडा सिटी 5 सीटर कार है लेकिन सिडान कारों में काफ़ी कम्फर्टेबल कार है। इसका इसी साल न्यू जनरेशन वर्जन लॉन्च हुआ है जिसके चलते इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लेगरूम मिला है। इसकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल करती गई हैं पहले के मुकाबले में, और गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन और दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है गाड़ी में, और गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है 10,89,000 रुपये से लेकर 14,64,000 रुपये तक की। ये जो कीमत है वो एक शोरूम कीमत है, इसमें इंश्योरेंस और RTO और लगेगा। फिर ये XUV300, ये महिंद्रा कंपनी की कार है और काफ़ी चौड़ी कार है। इस गाड़ी में जो लेगरूम मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, बल्कि यूँ कहूँ तो SUV गाड़ियों में सभी में लेगरूम अच्छा मिलता है, लेकिन ये काफ़ी चौड़ी है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसकी सीट्स भी काफ़ी कम्फर्टेबल हैं और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है 7,94,000 रुपये से लेके 12,29,000 रुपये तक की। फिर आई WRV। WRV होंडा की काफ़ी खूबसूरत कार है। इस गाड़ी का कुछ महीने पहले ही फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करा गया है जिसके चलते इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर में चेंज करा गया है और गाड़ी का लेगरूम भी इंक्रीज करा गया है, और गाड़ी की सीट्स तो पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी हैं। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में, और इसमें सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन, और गाड़ी की कीमत भी ज़्यादा नहीं है 8,49,000 रुपये से लेके 10,99,000 रुपये तक की। फिर आइए बलिनो, जो कि काफ़ी पॉपुलर कार है। ये अफोर्डेबल और बेहतरीन कंफर्ट वाली कार है। इस गाड़ी में जो लेगरूम मिलता है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें जो इंजन मिलता है 1.2 लीटर इंजन मिलता है, और गाड़ी की जो कीमत है 5,63,000 रुपये से लेकर 8,96,000 रुपये तक की। फिर आइए वैगनार। वैगनार एक 5 सीटर हैचबैक कार है। वैगनार काफ़ी अफोर्डेबल कार है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा लेगरूम मिल जाता है, बल्कि यूँ कहूँ तो ठीक लेगरूम मिल जाता है। अगर आप इसमें 3 बैठेंगे पीछे और आगे 2 बैठेंगे तो कंफर्ट है, क्योंकि कार ऊंची है इसलिए कंफर्ट हो जाती है। गाड़ी में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है दोनों ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 1.0 और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, और गाड़ी की जो कीमत है 4,45,000 रुपये से लेकर 5,94,000 रुपये तक की। फिर एस्पेरेसो, ये 5 सीटर हैचबैक कार है। एस्पेरेसो काफ़ी अफोर्डेबल कार है। इस गाड़ी में लेगरूम अच्छा मिलता है, और गाड़ी के सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि ये गाड़ी ऊंची कार है इसलिए कंफर्ट है।
गाड़ी में पेट्रोल इंजन मिलता है 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन और गाड़ी की जो कीमत है 3,70,000 रुपये से लेकर 5,13,000 रुपये तक की। ये जो i20 है, न्यू वाली i20 कार है। गाड़ी में लेगरूम की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा लेगरूम मिल जाता है और गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि एक प्रीमियम हैचबैक कार है, जैसा कि बलिनो में मिलता है उससे ज़्यादा इसमें मिलता है। इसका भी न्यू जनरेशन वर्जन ही लॉन्च हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी चेंज हो गई है और गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल का, इसमें 1.0 और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो कीमत है दिल्ली के हिसाब से एक शोरूम कीमत है 6,79,000 रुपये से लेकर 11,32,000 रुपये तक की है। और फिर जो लास्ट में कार आई है सस्ती है और अच्छी लेगरूम वाली कार है, वो है किया सोनेट। ये 5 सीटर SUV कार है। गाड़ी के लेगरूम की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा लेगरूम मिलता है और गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये वेन्यू की टक्कर की कार है लेकिन वेन्यू से ऊपर जा रही है धीरे धीरे सेलिंग में। ये इस गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें जो इंजन मिलते हैं 1.0 और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो कीमत है 6,71,000 रुपये से लेकर 12,99,000 रुपये तक की। तो ये तो वो गाड़ियाँ हो गई जिनमें लेगरूम अच्छा मिलता है और कंफर्टेबल कार है। ये 10 कारें हैं, इनमें महंगी कार भी आई और सस्ती कार भी आई है। ये वो कारें हैं जिनमें काफ़ी कम्फर्ट है। तो आप हमें बताइए आपको इनमें से कौन सी कार सबसे बेस्ट लगती है, अगर आप फ्यूचर में लेना चाहेंगे तो कौन सी लेना चाहेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आप किस बारे में जानना चाहते हैं।